हम में से अक्सर की गलतियाँ यही होती हैं कि हम जो है जो सही बात है जो सच्ची बात है उसको गलत तरीके से पोट्रे और कन्वे कर अपनी आवाज़ को पस्त करके बंद करके रखें, क्योंकि ये शैतान का दरवाज़ा। आप कितने भी गुस्से में हो, आप कितने ही पावरफुल क्यों नहीं हो और बहुत इख्तियार रखते हैं तोड़ फोड़ करने का, आप सिर्फ ये काम करें अपनी आवाज़ को देना धीमा करके। में से अक्सर की गलतियां यही होती हैं कि हम जो है जो सही बात है जो सच्ची बात है उसको गलत तरीके से पोट्रे और कन्वे करते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप जो है आप दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो किसी ने आपके साथ गलत बात की है, कोई गलत बात आपको समझ में आई है। अब आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप उसने गलत बात की है, उसकी जो गलती है आपके पास सही है, आप सच्चाई के साथ हैं, आप उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें। इसको कुरान भी यही बयान करता है कि जिसे मौइज़तुल हसना कहते हैं ना, वजादलुम बिल्लती हिय अहसन, हर जगह मौइज़तुल हसना हसन वर्ड है। इवन अगर आप जो है ना किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर भी जाएं, कोई लड़ाई झगड़े में जाएं, तो बिल्लती हिय अहसन, हमेशा अच्छाई के साथ बात की है ना अल्लाह के रसूल ने भी, अल्लाह ताला ने तलकीन की है। इसी वो उसका रीज़न यही है कि हम जब जो है ना अपनी सही बात के अंदर इमोशंस को ऐड कर देंगे तो उसके अंदर वो पर्सनलाइज हो जाएगी बात। फिर जब हम इमोशंस को ऐड कर देंगे तो उस तक ना वो जज्बात जाएंगे, एक्चुअल बात नहीं जाएंगे। तो हमें बात पहुंचानी है, जज्बात नहीं पहुंचाने। और यही एक इंसान की जो है ना मैच्योरिटी की भी डेफिनेशन होती है कि जब वो खास तौर पे गुस्से के अंदर हो या फिर इस तरह के कोई मामला हो जहाँ पे सिनेरियो बहुत हीट अप कर गया हो, तो वहाँ पे जो है ना अपनी आवाज़ को पस्त करके बंद करके रखें, क्योंकि ये शैतान का दरवाज़ा है। आपने उस आवाज़ को उस अपने जज्बात को खोला एंड यू ऑल गॉन, बिलीव मी। और हम ऐसे अक्सर जो गुस्ताखियाँ कर जाते हैं बड़ों के मामलात के अंदर, या मामलात ख़राब कर जाते हैं, दोस्तियाँ तोड़ बैठते हैं, रिश्तों में खता ताल्लुक कर बैठते, इसी वजह से कर बैठते हैं। हम सिर्फ अपने उस जज्बात को जो कि जिसका इजहार हमारी आवाज़ के थ्रू हो रहा है। आप कितने भी गुस्से में हो, आप कितने ही पावरफुल क्यों नहीं हो और बहुत इख्तियार रखते हैं तोड़ फोड़ करने का, आप गोलियाँ चला सकते हैं, आप रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकते हैं, आप सिर्फ ये काम करें अपनी आवाज़ को जो है ना धीमा करके, जस्ट लाइक रसूलुल्लाह।